ही गजल, और वो है हमारी ड्रीम गर्ल। वेल गाइस, यू आर वॉचिंग नेक्स्ट नाइन न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ मेघा। हमारे खास प्रोग्राम वायरल में आपका स्वागत है। एज यू ऑल नो, वायरल में हम आपसे चर्चा करते हैं उस एक खबर के बारे में, उस एक वीडियो के बारे में, उस एक इंटरव्यू के बारे में, या फिर उस एक फोटो के बारे में जो वायरल भी तेज़ी से हो रही है, जिस पर चर्चे भी सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। तो आज इस खास प्रोग्राम में मैं आपकी होस्ट मेघा जिस वायरल खबर पर आपसे बात करने वाली हूँ, वो खबर कुछ इस तरह से है। हेमा मालिनी जो हैं चुनावी माहौल के बीच अपने बेटे सनी का सहारा ले रही हैं। हेमा और सनी, एज यू ऑल नो, ये दो नाम ऐसे हैं जो जब भी साथ लिए जाते हैं सुनने वालों के कान खड़े हो जाते हैं ये जानने के लिए अब क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जो इनका नाम साथ लिया जा रहा है। भाई, जब तक दोनों फिल्मी दुनिया से जुड़े थे, मतलब हिंदी सिनेमा का हिस्सा रहे हैं दोनों ही, हेमा मालिनी शानदार अभिनेत्री रहे हैं और सनी देओल कमाल के एक्टर हैं, जब तक फिल्मी पर्दे पर दोनों का रिश्ता था तब तक इनके चर्चे एक दूसरे के साथ हुए या नहीं हुए, लेकिन जब से अपनी सौतेली माँ हेमा मालिनी का साथ लेकर, हाथ थाम कर सनी ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के परिवार के साथ अपना रिश्ता जोड़ा है, इन्हें लेकर चर्चे हर जगह हो रहे हैं। अब तक ये कहा जा रहा था कि सनी देओल जो हैं वो गुरदासपुर की लोकसभा सीट का चुनाव जीतने के लिए अपनी सौतेली माँ हेमा का सहारा ले रही हैं, लेकिन अब चीज़ें ज़रा बदल रही हैं। अब सहारा यहाँ पर हेमा मालिनी सनी देओल का ले रही हैं। अब यहाँ पर हेमा मालिनी जो हैं वो सनी का स्टाइल कॉपी करके दरअसल अपनी रैली को इंटरेस्टिंग बनाने में लग गई हैं। अब हेमा मालिनी यानी ड्रीम गर्ल जिनकी अदा का हर कोई कायल है, ड्रीम गर्ल जिनकी हर अदा निराली है, फिलहाल ड्रीम गर्ल सनी देओल का सहारा ले रही हैं। और सहारा कहाँ लिया है, सहारा लेकर क्या किया है, ये जानने के लिए आपको देखनी होगी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। टेक अ लुक। वेल, अब तक तो बॉलीवुड एक्टर सनी देओल हर तरीके से जनता के बीच जाकर वोट बटोरने की कोशिशें करते हुए दिखाई पड़े हैं। अब तक तो सनी को जगह जगह लोगों के बीच जाकर वोट मांगते हुए आप सभी ने देखा है, लेकिन इन सबके बीच में एक खबर जो आ गई है वो सनी और हेमा को लेकर काफी ज्यादा स्पेशल है। एक खबर जो आ गई है वो सनी और हेमा को लेकर आप सभी को भी काफी ज्यादा यहाँ पर खुश कर जाएगी। ये बात तो आप सब जानते हैं, सनी और हेमा ये दो ऐसे नाम हैं जो जब भी साथ लिए जाते हैं सुनने वाले काफी ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं, और इन सबके बीच में सनी और हेमा को लेकर ही चर्चे इस वक्त काफी ज्यादा जोरों से हो रहे हैं, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए सौतेली माँ जो है हेमा मालिनी वो सनी के स्टाइल का सहारा ले रही हैं। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप, सनी का सहारा ले रही हैं हेमा मालिनी। और क्या है पूरा माजरा वो हम आपको बताएंगे। याद होगा आपको अपनी रैलियों में जाकर सनी देओल किस तरीके से जो हैं पूरी तरह से बॉलीवुड के रंग में रंगे हुए दिखाई देते हैं, और अब कुछ इसी तरीके से जब हीमन धर्मेंद्र गए थे हेमा मालिनी के प्रचार में तो उन्होंने कहा था जिता दो हेमा को नहीं तो मैं टंकी पर चढ़ जाऊंगा, बसंती की इज्जत का सवाल है। और अब हेमा मालिनी भी कुछ ऐसा ही करती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप, हेमा मालिनी भी कुछ ऐसा ही कर रही हैं। हेमा मालिनी ने कहा है चल धन्नो बसंती की इज्जत का सवाल है, रमेश कौशिक को जिताना है। जी हाँ, ठीक सुन रही हैं आप, जिंद पहुंची हैं मथुरा की सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी रमेश कौशिक के पक्ष में मतदान करने से लोगों की अपील की, और बिल्कुल सनी देओल का स्टाइल अपनाते हुए बिल्कुल हीमैन धर्मेंद्र को यहां पर याद करते हुए, हीमैन धर्मेंद्र का स्टाइल अपनाते हुए सनी को फॉलो करते हुए हेमा ने कहा मथुरा में मेरे प्रचार के लिए आए धर्मेंद्र जी ने कहा था
हेमा मालिनी को जिता दो, नहीं तो मैं टंकी पर चढ़ जाऊंगा। अब मैं आप लोगों से यहाँ कहती हूँ चल धन्नो, बसंती की इज्जत का सवाल है, रमेश कौशिक को जिताना है। तो देख रहे हैं आप, बता दें आपको इतना ही नहीं बल्कि हेमा मालिनी का एक और वीडियो सामने आया है जहां स्टेज पर अपना पल्लू पकड़ती हुई हेमा यहां पर काफी ज्यादा लहराती हुई बलखाती हुई दिखाई पड़ी हैं। काफ़ी ज़्यादा हेमा मालिनी यहाँ पर लहरा रही हैं और सनी देओल को कॉपी करती हुई हेमा जो पूरी तरह से बॉलीवुड के रंग में रंग कर अपनी फिल्मों के डायलॉग्स का सहारा लेकर वोट अपील कर रही हैं, ये तो यकीनन काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। बता दें आपको सनी और हेमा ने भारतीय जनता पार्टी, जब सनी ने भी ज्वाइन की उसके बाद अपने फैंस को बड़ी खुशखबरी दी और अब और भी ज्यादा खुश हो जाएंगे फैंस उस वक्त जब सनी और हेमा एक साथ एक पर्दे पर दिखाई देंगे जिसका इंतजार करना होगा। यानी जिस तरीके से सनी देओल अपनी रैलियों में हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा ये नारा लगा रहे हैं, सनी अपनी रैलियों में गदर फिल्म का वो प्यारा सा सीक्वेंस याद दिलाते हुए हैंड पंप पकड़ते हैं। सनी अपनी रैलियों में कहते हैं तारीख पे तारीख नहीं दूंगा, सीधे काम करूंगा। अब सनी का स्टाइल कॉपी करके, सनी का सहारा लेकर ड्रीम गर्ल भी अपनी रैलियों को, अपनी जनसभाओं को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपनी फिल्मों के डायलॉग्स बोल रही हैं, शोले का डायलॉग बोल रही हैं, बसंती वाला अवतार दिखा रही हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स वेरी गुड टू सी कि सनी और हेमा आज तक जिस डिग्निटी के साथ अपने रिश्ते को लेकर उठने वाले सवालों के साथ डील करते आए हैं, आज दोनों समझते हैं इस चीज़ को कि भाई अब प्रोफेशनल लाइफ है, एक पार्टी के साथ जुड़े हैं, पार्टी देश का हिस्सा है और उनका रिश्ता पार्टी को, और पार्टी अगर अफेक्ट होगी तो देश अफेक्ट होगा। सनी और हेमा मालिनी बहुत बखूबी इस चीज़ को समझ कर जितनी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हमें तो इंतजार रहेगा उस एक पल का जब एक मंच हो और इस मंच पर हेमा और सनी दोनों एक दूसरे के साथ नजर आए, और अगर इन दोनों के साथ हीमैन भी नजर आ जाए तो सोने पे सुहागा, और क्या दुआ की जाए और क्या मांगा जाए। दोस्तों आज के लिए वायरल में बस इतना ही, बताया हमने आपको कैसे हेमा सनी को लेकर वायरल हो रही है ये खबर, चुनाव जीतने के लिए ड्रीम गर्ल ले रही है सौतेले बेटे सनी का सहारा, और ऐसा लेना जरा भी गलत नहीं है। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही, नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू रैप अप आवर शो, वी विल मीट यू गाइस सून विद सम मोर एक्साइटिंग अपडेट्स ऑफ योर फेवरेट सेलिब्रिटी, बट टिल देन आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, दे दीजिए मुझे इजाजत, रहें अपडेटेड।